सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते और शेर अकेले। भारत का जेम्स बॉन्ड। 1972 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि सफल हो गया, जिसे देख पाकिस्तान भी अब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। पाकिस्तान के साइंटिस्ट एक्यू खान, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को समझ आ गया था कि पाकिस्तान केवल वेपन्स के लिए इस टेस्ट को करना चाहता है, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन चाइना पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बावजूद साइंटिस्ट खान को अपनी तैयारी अधूरी लग रही थी, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ये सोच में पड़ गई कि आखिर पाकिस्तान के साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया क्यों गए हैं, जिसके बाद मैडम इंदिरा गांधी ने रॉ और आईबी का गठन कर दिया और एक टीम बनाई। वो चाहती थी कि कुछ इंडियन स्पाई पाकिस्तान और चाइना जाकर पता लगाएं कि आखिर उनके इरादे क्या हैं। इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल को सिलेक्ट किया जाता है। अजीत डोभाल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर अपना एक नेटवर्क बनाए और डायरेक्ट इंदिरा गांधी को इन्फॉर्म करें। रॉ एजेंसी को पता चला कि पाकिस्तान की कहोता नाम की एक जगह है जहां खान रिसर्च सेंटर नाम का एक मकान था जहां इसकी तैयारी चल रही थी। इंडियन रॉ एजेंसी को ये लीड तो मिल गई थी लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, जिसके बाद अजीत डोभाल एक अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान जाते हैं और वहां इस खान रिसर्च सेंटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डोभाल कहोता के अंदर भिखारी के भेष में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। इधर दूसरी ओर इंडिया में उथल पुथल हो गई। 1977 में इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं और अब उनकी जगह मोरारजी देसाई आ जाते हैं। पाकिस्तान में अजीत डोभाल खान रिसर्च सेंटर के बाहर नजर गड़ाए बैठे थे। वो लगातार देख रहे थे कि कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर पर काम कर रहा होगा तो जरूर उसके पार्टिकल्स उसके शरीर पर आ सकते हैं, जिसके बाद अजीत डोभाल उन साइंटिस्ट को फॉलो करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने उनके बार्बर की शॉप के बारे में पता लगा लिया, जिसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट के बालों का सैंपल ले लिया। डोभाल ने अपने नेटवर्क के थ्रू उन बालों के सैंपल को इंडिया भेजा, जहां पर चेक करने से पता लगा कि बालों में बहुत सारे न्यूक्लियर पार्टिकल्स लगे हुए थे, जिसे क्लियर हो गया कि खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर का काम हो रहा है। अब डोभाल जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मोसाद को चूज किया। मोसाद इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर थे। डोभाल ने मोसाद को समझाया कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहले खतरा इजराइल को होगा। दरअसल डोभाल चाहते थे कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर वेपन बना ही ना पाए और इंडिया से उसे कोई डायरेक्ट फेस ऑफ भी ना हो, इसलिए वो मोसाद को इन्फ्लुएंस करते हैं और मोसाद मान भी जाता है। मोसाद ने कहा कि पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए उन्हें गुजरात में रिफ्यूलिंग के लिए बेस की जरूरत होगी। डोभाल ये बात प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बताते हैं, लेकिन मोरारजी साफ मना कर देते हैं कि वो किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे। डोभाल उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन मोरारजी नहीं मानते हैं, लेकिन डोभाल ने हार नहीं मानी। वो कहोता का रिसर्च सेंटर बंद कराने की तमाम कोशिश करते हैं लेकिन बार बार मोरारजी देसाई उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद एक दिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिया उल हक ने मोरारजी देसाई से कुछ बात करने के लिए कॉल किया, तो देसाई ने बातों ही बातों में उन्हें कह दिया कि इंडिया को कहोता के न्यूक्लियर के बारे में सब पता है। इधर जिया उल हक शॉक्ड हो जाते हैं और उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे सभी इंडियन स्पाई को ढूंढ ढूंढ कर बहुत मारा और काफी स्पाई तो अपनी जान भी गवा बैठे। जब डोभाल को पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो रॉ एजेंसी उन्हें जल्द से जल्द इंडिया वापस आने को कहती है, जिसके बाद डोभाल इंडिया आ जाते हैं। लेकिन डोभाल के इस कारनामे की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल पीछे हो गया था। और ऐसे ही स्टोरी होने वाली है सलमान खान की आने वाली फिल्म वांटेड 2 की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और उम्मीद है अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।